ऑल राइट, हेलो रेसलिंग फैंस, मेरा नाम जस्टिन और आप देख रहे हैं रेसलिंग ऑडियंस चैनल। तो आज की स्मैकडाउन की एक कमाल की एंडिंग देखने को मिली, जहां पर अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप्स का मैच भी हम सभी को देखने मिला, जो कि हुआ था दी उसोस वर्सेस रिडल एंड नाकामुरा के बीच। तो क्या कुछ हुआ आज की स्मैकडाउन के मेन इवेंट में, सारी बात आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। बस आप लोग करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है और जो भी चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को भी लाइक ठोक दो। और स्मैकडाउन की टैग टीम स्मैकडाउन का मेन इवेंट में मैच था अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए दी उसोस वर्सेस नाकामुरा एंड रिडल के बीच, जो कि मैं आपसे बता ही चुका हूँ। और रेसलिंग वाइज अगर इस मैच की बात करें तो ये काफ़ी ठीक ठाक सा मैच था। और बीच मैच में नाकामुरा को हो जाती है इंजरी, तो नाकामुरा इस मैच से हो जाते हैं बाहर और ये हो चुका था एक 2-on-1 हैंडीकैप मैच, जहाँ पर जो हमारे दी उसोस हैं वो बुरी तरीके से अटैक कर रहे थे रिडल पर। और यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं करते हुए एंडिंग की बात करें तो जो हमारे रिडल हैं वो जे उसो को हमारे रूप पर फंसाए होते हैं और स्प्लैश देने जा रहे होते हैं। इतने में रोमन रेंज का थीम सॉन्ग प्ले होता है, रिडल होते हैं डिस्ट्रैक्ट, इतने में जिमी उसो भी टैग लेते हैं डबल सुपर किक। और यहाँ पर स्प्लैश आने के बाद 1-2-3 और इस मैच में दी उसोस ने अपनी अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप को कर लिया है रिटेन। और बाद में हम सभी क्या देखने मिलता है, जब दी उसोस जा रहे होते हैं तो सैमी ज़ेन काफ़ी ज़्यादा खुश होते आते हैं और वो गले वाले मिलते हैं हमारे दी उसोस के। इतने में रिडल आते हैं पीछे से और वो दी उसोस पर अटैक करते हैं, तो सैमी ज़ेन बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन रिडल ने सैमी ज़ेन को भी धो डाला, बाकी ऑफिशियल्स तो रोक ही रहे थे। और कुछ इस तरीके से आज के स्मैकडाउन के शो एंड हुआ है। बाकी आप लोग क्या सोचते हो आज इस स्मैकडाउन के शो के बारे में, मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बता देना। बाकी प्लीज़ यार जो भी चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, अगर 5 या 10 लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मेरी काफ़ी बड़ी हेल्प हो जाएगी।